जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के मिर्सादपुर चौराहा व आसपास का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गोलियों की आवाज़ से ग्रामीणों में दहशत का माहौल कायम हो गया। हालांकि इस गोलीबारी की वारदात में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलते ही सीओ बदलापुर समेत भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मिर्सादपुर बाजार के पास कलजरा मोड़ पर बाइक सवार आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ हवा में गोलियां चलाई तथा बाजार में खड़े युवक को ईंट पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया। गोलियों की आवाज़ सुनकर स्थानीय जनता में दहशत व्याप्त हो गया। बदमाशों के जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोलियों के खोखे एकत्रित कर रही है। हालांकि वारदात के पीछे बदमाशों का क्या मकसद था यह अभी तक नहीं पता चल सका। कुछ लोग यहाँ भीड़ लगा करके नौजवान लड़के खड़े थे, जिसको हम लोग पहचानते नहीं, और यहाँ करीब 10 मिनट वो लोग खड़े थे। भीड़ बढ़ती गई उन लोगों की, और उसके बाद एकाएक फायरिंग करने लगे। जो यहाँ आम जनता की गाड़ियाँ खड़ी थी उस पर उन लोगों ने उसको गिरा दिया, उसको तोड़ फोड़ किया, सरिया जमा कर दिया, देखिए टंकी तोड़ दिए हैं, आगे का तोड़ तोड़ दिए। क्या उन सब किसी की पहचान भी है? नहीं, कोई पहचान नहीं हम लोगों के पास। प्रशासन सूचना दी गई क्या कार्रवाई? प्रशासन यहाँ से लगभग 150 मीटर की दूरी पर खड़ा था, और उस पर उन लोगों ने कोई इंटेंशन नहीं लिया, पीछे से खड़े होकर के देख लिए। जब वो लोग भाग गए तब उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुँची। यहाँ पहुँचने के बाद क्या पुलिस मान रही है गोली चली है कहानी पे? गोली तो यहाँ मिली है, 3-4 गोली मिली है, जबकि 15 राउंड यहाँ कम से कम गोली चली। क्या नाम आपका? मेरा नाम है हसीबुर रहमान, गाड़ी जो है मेरे बेटे का नाम है।